पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है हीरा मंडी। ये वो इलाका है जहाँ जिस्म फरोशी का धंधा दशकों से चलता आ रहा है। मुगलों के शासनकाल से चलता आ रहा जिस्म फरोशी का धंधा अपने आप में बेहद खास है। मुगल शासन के समय हीरा मंडी में तवायफों का मुजरा देखने के लिए नवाबों का ताता लगा रहता था। उस जमाने के तवायफों की फनकार देखने के लिए न सिर्फ लाहौर बल्कि हजारों मील दूर लखनऊ और हैदराबाद से भी नवाब आया करते थे। समय बीतता चला गया और देखते ही देखते यहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा भी चरम पर पहुँचने लगा। साल 1843 की बात है जब लाहौर पे महाराजा रणजीत सिंह का शासन हुआ करता था। उनके बेटे का नाम हीरा सिंह डोबरा था। इन्हें लाहौर का प्रधानमंत्री बनाया गया था। उनके ही नाम पर इस इलाके का नाम हीरा मंडी रखा गया। साल 1970 में फिल्म प्रोड्यूसर ख्वाजा मजहर अपनी फिल्म कासू की स्टार कास्ट के लिए एक एक्ट्रेस की तलाश कर रहे थे। इस तलाश में हीरा मंडी वो पहुंच गए और उनकी नज़र नरगिस पर पड़ी। उन्होंने नरगिस को अपनी फिल्म में कास्ट करने को लेकर बात की। फिल्म को लेकर नरगिस तैयार हो गई थी। हालांकि यह नरगिस की पहली फिल्म नहीं थी, इससे पहले भी नरगिस कई फिल्मों में काम कर चुकी थी। साल 1964 में नरगिस ने अपनी पहली फिल्म शरत से पाकिस्तानी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। कासो फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मजहर को नरगिस से प्यार हो गया था। इसी बीच मजहर और नरगिस की शादी हो गई। उस दरमियान लाहौर का एक नियम था कि जब भी कोई लड़की हीरा मंडी से शादी होकर जाती है तो लड़के को उसकी उचित कीमत देनी होती है। तमाम नियमों व शर्तों के बाद भी ख्वाजा मजहर ने निगो से शादी कर ली। फिल्मों में काम करना नरगिस की मां को पसंद नहीं था। जैसे तैसे नरगिस की मां ने अपनी बीमारी का बहाना बनाते हुए नरगिस को वापस अपने पास कोठी पर बुला लिया। काफ़ी दिनों तक मां के पास रहने के बाद उनका मन भी मजहर की ओर से हटने लगा था। मजहर के काफ़ी बुलाने के बाद भी वो वापस नहीं गए। इसी बीच एक दिन मजहर नरगिस के कोठे पर पहुंच गए। मजहर ने निगो को वापस उनके साथ चलने को कहा लेकिन वो नहीं मानी। मजहर ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल कर निगो को गोली मार दी। नरगिस की मौके पर ही मौत हो गई और इसके बाद मजहर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। हाल ही के दिनों में नेटफ्लिक्स पर आई हीरा मंडी काफ़ी चर्चा में है। हीरा मंडी बॉलीवुड निर्देशक संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई एक ड्रामा सीरीज है जो 1 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। इसमें मुख्य किरदार मनीषा कुराला, सोनाक्षी सिन्हा, ऋचा चड्ढा, आदित्य राव हेदरी, संजीदा शेख और शर्मिन शेगर शामिल हैं। इस सीरीज़ का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। लोग द्वारा इस सीरीज़ को लेकर काफ़ी अच्छा रिव्यू मिल रहा है। इसकी रेटिंग 4.5 भी दी गई है।